गौर से सुनिए, जिसके मन में भगवान के लिए श्रद्धा नहीं है, जो गुनहगार, फरेबी या धोखेबाज हो, वो वसुधरा के पास नहीं जाएगा। क्यों जाएंगे तो क्या होगा? वसुधरा गिरना बंद हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। पानी को इसका क्या ज्ञान है? यहाँ की प्रकृति में पापियों को पहचानने की ताकत है। मेरी नजर में तो दुनिया का सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ। हमारी सोच बहुत मिलती है, इसीलिए वहाँ मत जाओ। अब तो मेरी जिद है, वहाँ जाके देखता हूँ ये कितना सच है। तो जाओ, आजमा लो। मेरे जैसे पापी को कोई नहीं पहचान पाया, ये पानी क्या पहचानेगा? देखते हैं। अरे अब देखता हूँ। अरे रुक जाओ, बेशरम और बेहूदा इंसान, आखिर इस पवित्र स्थान पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे ये कौन नास्तिक है, इसे बद्रीनाथ से निकालो। जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। पापी हूँ तो कुछ भी बोलेंगे। मैंने बड़े बड़े पापी देखे हैं, पर तुम तो महापापी हो। पानी के पास पहुँचते ही पानी गायब, कहाँ से हो? और क्या जानना है तुझे, अभी अभी तो हकीकत पता चली है। स्वामी जी बहुत गुस्से में है। बद्री, शुक्र है पानी बोलता नहीं है, वरना आज पहाड़ी से मुझे नीचे फेंक देते। बाल बाल बच गया मैं, इसीलिए मना किया था। आप जाइए। नहीं ताऊ जी, आप चुप जाइए। अलकनंदा, ताऊ जी ने एक इंसान है इसलिए उन पे पानी गिर रहा है, लेकिन तुम वहाँ गलती से भी मत जाना। समझो मेरी बात, समझो। मैं तो किसी तरह बच गया, लेकिन तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आदमी गलत हो लेकिन बात सही करते हो। तुम चाहे कितने भी जन्म ले लो, वसुधरा तुम पे नहीं गिरेगी। ए, वैसे मैं चाहती भी नहीं हूँ कि वसुधरा मेरे ऊपर गिरे। क्या यार, दादाजी ने तो बातों में फंसा लिया है, पता नहीं कब तक रुकना पड़ेगा। चलो खेलना शुरू करते हैं। हम क्रिकेट खेलने वाले हैं जिसमें 11 लोगों की जरूरत होती है। तो अब क्या करेंगे? रुको, 5 मिनट में फील्डर्स मिल जाएंगे, वो रहे प्लेयर्स। हे फ्रेंड्स, लड़की हमें बुलाने की वजह? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जा नहीं रहे हैं, आ रहे हैं, वेद पाठशाला से यहाँ आ रहे हैं। और हाथ में कौन सी किताब है? हाँ? इस सृष्टि का सारा ज्ञान इस किताब में मौजूद है। ऐसा क्या? कुछ भी पूछती हो, पूरी कायनात में ऐसा कुछ नहीं जिसका जवाब मुझे नहीं पता। आहा, तो तुम्हें सब कुछ मालूम है? कोई शक? अच्छा तो चलो 3 सवाल पूछती हूँ, जवाब दोगे ना? जो भी है पूछो। बाहुबली कौन है? हा? बाहुबली? ए, सब लोग इधर आ गए। अब ये बाहुबली कौन है? गुरुजी ने इसका जिक्र कभी नहीं किया, तुम्हें पता है क्या? नहीं, मेरा तो नया एडमिशन है। नहीं जानते क्या? बजरंग बली सुना है, महाबली सुना है, आपके बाहुबली का जिक्र इस किताब में नहीं है। देखा, मुझे पता था कि इसका जवाब तो मिलेगा। हाँ ठीक है ठीक है, आखिर वो है कौन? बाहुबली मतलब माहिष्मती का राजा। हाँ, अच्छा अच्छा, मैं उनके बारे में जानता हूँ। अच्छा बेटा, अगला सवाल। तुम चिरंजीवी के बारे में तो जानते ही होगे। चिरंजीवी? तुम्हें ऐसा सवाल करने में शर्म आनी चाहिए, पूरी दुनिया में चिरंजीवी का बच्चा बच्चा जानता है। ये मेगा स्टार कभी बद्रीनाथ आया था क्या? मालूम नहीं। अब चिरंजीवी का जिक्र इस किताब में है क्या? बिल्कुल, बजरंग बली का जिक्र इस किताब में क्या पूरे विश्व में है। अच्छा, तुम उनके बारे में बात कर रहे हो। और क्या, मैंने उनके बारे में थोड़ी बात की, मैं तो मेगा स्टार के बारे में बात कर रही थी। मुझे ये फिल्मी दुनिया का कुछ पता नहीं, आप और कुछ पूछिए। अच्छा ठीक है, कुछ और पूछती हूँ। हाँ, तुमने धोनी के बारे में तो सुना क्या ही होगा? तुम तो पूरा आउट ऑफ सिलेबस पूछ रही हो, अब ये धोनी कौन है? तो मैं बताती हूँ, वो क्रिकेटर है, उन्होंने हमें वर्ल्ड कप भी जिताया था। चाय का कप सुना है, ये वर्ल्ड कप क्या है? तुम विष्णु जी के प्रिय खेल का नाम नहीं जानते? हाँ, श्री हरि विष्णु का प्रिय खेल। और नहीं तो क्या, 3 सवाल तो पूछ लिए, अब ये 3 विकेट देखो। ये खेल कैसे खेलते हैं? आसान है, उस बीच वाले स्टंप पर लगेगा तो सीधा स्वर्ग जाएंगे। और बाजू वाले को लगा तो? तो भी स्वर्ग में ही जाएंगे। जय बजरंगबली। सबर सबर, ये श्री हरि विष्णु का पसंदीदा खेल है, पत्थर से नहीं खेल सकते। फिर आप ही बताए क्या करें।
इससे खेलना है। ये क्या है? लड्डू। लाल रंग का लड्डू, लेकिन इसमें धारिया कैसी? लड्डू इसके अंदर रखा हुआ है, इसीलिए बाहर से सिलाई है। शुरू हो जाओ। जय बजरंगबली। गजराज क्रोधित हो गए हैं, भागो भागो भागो। विष्णुगज पीछे हटो। क्या हुआ था? संस्कृति का ऐसा मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? छी। धिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहिगुम्से। अपने पिताजी का नाम बताइए। जिनके नाम से पूजा हो रही है वो मेरे पिताजी नहीं, मेरा बेटा और बहू है। देखिए, जन्म देने वाले का ऋण चुकाने के लिए यहाँ पर पिंडदान किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार पिता पुत्र को पिंड नहीं दे सकता। अगर ऐसा है तो फिर मैं ये करना चाहूंगी। औरत ये काम नहीं कर सकती। अगर आपकी शादी हो गई हो तो आपके पति पिंडदान कर सकते हैं, और न हुई हो तो आपके रिश्तेदारों में से कोई भी कर सकता है। आप कर दीजिए। ये मुमकिन नहीं है। मेरे गुरुजी ने कहा है किसी को अपने हाथ से खाना मत खिलाना, इसलिए मैं नहीं कर सकता। वैसे पंडित जी, आपकी जान पहचान में कोई होगा जो कर देगा, उसी से करवा लीजिए, खुशी से कुछ दे दूंगा। पैसे के लिए कोई पिंडदान नहीं करता। ये तो नाइंसाफी है। अपने माँ बाप के लिए मैं पिंडदान क्यों नहीं कर सकती? अच्छा तो मैं चलता। रुक जाइए पंडित जी, मैं करूंगा। तुम कैसे कर सकते हो? क्यों ना करूं? रस्म और रिवाज भलाई के लिए होते हैं, किसी को नाराज करने के लिए नहीं। शायद आप नहीं जानते कि अलकनंदा भगवान से नाराज है, क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु मंदिर में हुई थी। उसकी नाराजगी जायज है। उसका मन परिवर्तन करने के लिए ये पिंडदान होना जरूरी है। उसके माता पिता का पिंडदान करना मैं अपना भाग्य समझूंगा। आप शुरू कीजिए। किसका शुक्रिया अदा कर रही हो बेटा, बद्री का या बद्रीनाथ का? बद्री का है। लोगों ने अमरनाथ के लोगों। क्या हुआ? तुम्हें 5 मिनट का वक्त देता हूँ, उतने वक्त में यहाँ से निकल जाना। आखिर तू है कौन जो मुझे वक्त देगा? एक। तू जानता नहीं है मुझे, बख्शूंगा नहीं। दो। लगता है पहला नंबर तेरा ही है। तीन। और तेरे बाद इन सब का, इन सब को मार डालूंगा। चार। पांच। हो गए 5, अब क्या? बद्रे। बद्रे, तुम्हारे पास भी 5 मिनट का वक्त है, इनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। भूल दो उसे। जान से मार दूंगा।
हर हर महादेव। सर आप तो वाकई में काबिले तारीफ है, आपने डंकी की चोट पर दुश्मन को ललकाया। अकेले ही इतने सारे लोगों को बचा लिया है। बद्री मेरा हथियार है, वज्र जैसा बलशाली। समर कौतुक खड्ग चालक रक्षकम्।